Hey guys, क्या चाल और भाई हो। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट, और ये हमारी हार्डकोर सीरीज का भाई सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने पूरे विलेज को एक्सप्लोर कर लिया था। हमारे पास थोड़ा बहुत सामान हो गया जो विलेज से हम लोगों ने चोरी किया है, एंड यहाँ पे हम लोगों ने एक फार्म बना लिया है जिसमें यार अभी तक फसल नहीं उगी है, और हमारे पास रहने के लिए एक शिपरैक भी है। मतलब इस वाले भाई विलेज में अपने मजे ही मजे आ रहे हैं, पर ये शिपरैक यार काफ़ी ज़्यादा छोटा है। तो आज हम लोग अपना खुद का एक घर बनाने वाले हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा या फिर ऐसा वैसा घर नहीं, हम लोग बनाने वाले हैं भाई एक वोट हाउस। क्योंकि ये वाली सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया भाई ओनली आइलैंड सीरीज, तो आइलैंड देखो काफी ज्यादा छोटा है, और मैं जगह को वेस्ट नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि इस सीरीज में हम लोग को बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारी चीजें बनानी है। तो जो मैं घर बनाने वाला हूं, वो बनाने वाला हूं मैं एक वोट हाउस जो कि पानी के ऊपर रहेगा, और हमारे चारों तरफ भाई पानी पानी है, तो वोट हाउस काफी ज्यादा सही लगने वाला है। बाकी यार बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इसलिए को पूरा देखना, बड़े को एक लाइक तो यार जरूर कर देना। बाकी हाँ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग GTA का वीडियो का इंतजार कर रहे हो, पर यार माइनक्राफ्ट में भी मजा आता है और वीडियो बनाने में काफी मेहनत हो जाती है, तो प्लीज एक लाइक शुरू कर देना। इस वाले वीडियो में हम लोग लाइक कम रखते हैं पूरे 5000 लाइक का, मुझे पता है यार थोड़ा सा ज्यादा है माइनक्राफ्ट के लिए, पर यार अपने भाई के लिए कंप्लीट करा देना यार, कर दो यार लाइक भाई कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी यार जरूर कर लेना। और हाँ, इस सीरीज का अगर तुम लोगों ने फर्स्ट एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके देख लेना। अभी अभी सीरीज स्टार्ट हुई है, तो अभी देखो हम लोगों को अपना बोट हाउस बनाने के लिए बहुत ज्यादा लकड़ी की जरूरत पड़ेगी, और आइलैंड पे ना यार देखो ज्यादा पेड़ नहीं है, यहाँ पे एक पेड़ है एंड 3-4 पेड़ यहाँ पे है। तो सबसे पहले मैं काम क्या करूंगा ना, मैं कुछ पेड़ को काटूंगा, और मेरे को उनसे जो सैपलिंग मिलेगी उनको मैं लगाने वाला हूँ। बट सबसे पहले मेरे को काम क्या करना है, जो मेरे पास काव है ना उनकी फटाफट से हम लोग ब्रीडिंग करा देते हैं, क्योंकि मेरे आइलैंड पे यार एनिमल ना खत्म नहीं होने चाहिए, और एनिमल के नाम पे अपने पास सिर्फ गाय है और एक गधा है, और एनिमल अपने पास है ही नहीं। वैसे यहाँ पे अगर शीप वगैरह भी स्पॉन हो जाए तो काफी ज्यादा मजा आएगा। तो आप में से काफी सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि कुछ टाइम बाद अपने आप यहाँ पे शीप वगैरह पिग वगैरह स्पॉन हो जाएंगे, अगर हो जाते हैं तो सही है, अगर नहीं होते हैं तो अपने को इन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं भाई यहाँ पे काफी ज्यादा वीट, और मैं इनको खिला देता हूँ, मैं इसको भी खिला सकता हूँ वैसे, तो मैं इसको खिला देता हूँ। अबे भाई तू तो तू ब्रीडिंग करेगा ही नहीं, तू सारा खा लेगा पर फिर भी ब्रीडिंग नहीं करेगा। तो काओ ने यहाँ पे ब्रीडिंग कर लिया, एंड अभी हम लोग अपने काम पे चलते हैं। सबसे पहले मैं काम क्या करता हूँ ना, पहले हम लोग पेड़ों को नहीं काटते हैं, सबसे पहले हम लोग अपने शिपरैक को पूरा का पूरा तोड़ लेते हैं, वहाँ से मेरे को काफ़ी ज़्यादा स्लैब और प्लैंक वगैरह मिल जाएंगे। और आइलैंड पे मैं जितने भी विलेज हैं उनको तो मैं बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करने वाला हूँ, तो मेरे पास अभी आयरन एक्स है, तो इसको पूरा तोड़ने का काम करते हैं। बट पहले हम लोग ना ऊपर से स्टार्ट करते, और ये देख रहे हो, हेलो सर क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये देख रहे हो यहाँ पे फंस गया, पर कोई दिक्कत नहीं, आज मैं इसको यहाँ से निकाल दूंगा, और भाई मैं आयरन एक्स का यूज़ करके पूरा का पूरा शिपरैक यहाँ से तोड़ लेता हूँ। होगी तो गाइस, अभी मैंने पूरा का पूरा शिपरेक यहाँ पे तोड़ दिया है, एंड अभी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा प्लैंक और स्लैब हो गए हैं, और शिपरेक तोड़ते तोड़ते मेरे को एक चेस्ट भी मिल गई थी, बट उसके अंदर यार कुछ खास सामान नहीं मिला, थोड़े बहुत पेपर मिले और एक ट्रेजर मैप मिला है जो मैं बाद में ढूंढने जाऊँगा। एंड यहाँ पर मैंने अपना क्राफ्टिंग टेबल और चेस्ट यहाँ पर बना के रख दिया है, और यार एक और आयरन एक्स बनानी पड़ी, वो वाली टूट गई थी, तो मैंने एक और नई बनाई है। एंड मेरे को लगता है कि मुझे ना थोड़ा खाना भी यहाँ पर कुक कर लेना चाहिए, वैसे मेरे पास कुछ है ही नहीं कुक करने के लिए। ओके मेरे पास एक मिनट, इस फिश को हम लोग कुक कर सकते हैं क्या, मेरे को देखना पड़ेगा। ओके, तो फिश को हम लोग कुक नहीं कर सकते हैं, मेरे को इसको ऐसे ही खाना पड़ेगा, ये फिश मेरे को अभी पानी के अंदर से मिल गई थी। तो अभी हमारे पास थोड़े बहुत प्लैंक हुए हैं, थोड़ी बहुत स्लैब हुई है, इतने से तो काम नहीं चलने वाला, मेरे को और भी बहुत सारा सामान चाहिए। तो अभी ये काम करते हैं, चल के ना अभी पेड़ों को काटते हैं, और धीरे धीरे हमारी यहाँ पे फसल भी बड़ी हो रही है, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रही है। तो बस मेरे को यार सैपलिंग मिल जाएगा, सैपलिंग नहीं मिली तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाऊँगा। होगी तो गई, सभी मैं दूसरे आइलैंड पे गया था यार थोड़े लॉग और भाई सैपलिंग लेने, अभी मेरे पास काफ़ी सारे लॉग हो चुके हैं, थोड़ी बहुत सैपलिंग भी हो गई है, और मैंने अपने बोट हाउस का यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बना लिया है। पर यार अपने पास काफ़ी ज़्यादा लॉग कम पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना पास वाले आइलैंड का फ़ायदा उठाया जाए, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पेड़ हैं। तो अभी मैं वहाँ से काफ़ी ज़्यादा पेड़ लेकर आ चुका हूँ, मतलब सैपलिंग मेरे को 4 मिल गई, एक मेरे को ओक सैपलिंग भी मिल गई, ओक सैपलिंग तो वैसे मैंने अपने यहाँ पर भी लगा दी है, बट ब्रिज वाली मेरे को पहली बार अभी मिली।
चाहिए तो मैं इसको भी लगा देता हूँ। एंड मेरे आसपास जितने भी आइलैंड होंगे मैं सबको एक एक बार विजिट कर लूँगा और जितनी चीज़ें मैं वहाँ से ला सकता हूँ एक एक करके मैं वहाँ से चीज़ें लेकर आ जाऊँगा। मैंने यहाँ पे 4 लगा दी है, ये भी थोड़े टाइम में अपने आप ग्रो हो जाएंगे। एंड ये देखो यहाँ पे भी अपने सारे के सारे पेड़ ग्रो हो गए हैं तो मैं इनको भी कट कर दूंगा। यहाँ से मेरे को और ज़्यादा सैपलिंग मिल जाएगी, इसको भी यहाँ पे लगा दो। और खाने की कमी हो रही है, मैं एक काम कर दूँ एप्पल खा लेता हूँ और अपना बोट हाउस बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने वहाँ पे स्ट्रक्चर तो बना दिया है बट मेरे को काफ़ी सारे ट्रैप डोर और काफ़ी सारी स्टेयर्स बनानी थी, तो स्टेयर्स तो मेरे को मिल गई थी यहाँ पे, काफ़ी सारे एक स्टैक स्टेयर्स है मेरे पास एंड ट्रैप डोर भी मेरे पास थोड़े बहुत पड़े हैं तो अभी उसी से काम चलाते हैं। तो मैंने इसको इतना साइज का बनाने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे शायद 13-12 ब्लॉक लगाए हैं, मैं इसी साइज का यहाँ पे इसको बनाऊंगा। तो यहाँ पे ट्रैप डोर मैं चारों तरफ लगा देता हूँ। होगी तो गाइस सभी मैंने अपने बोट हाउस का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लिया है। तो जो मैं अपना बोट हाउस बनाऊंगा वो मैं इतना बड़ा बना रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बना रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यार इतने ज़्यादा लॉग और प्लैंक नहीं है। तो यहाँ पे मैंने छोटा सा एक स्ट्रक्चर तो बना दिया है एंड अभी मुझे लगाने भाई ट्रैप डोर। बोट हाउस बनाने में ना सबसे ज़्यादा यार ट्रैप डोर ही लगते हैं। एंड यहाँ पे मैंने चढ़ने के लिए देख रहे हो यहाँ पे लेडर भी लगा दे, तो एक काम करते हैं यहाँ पे ट्रैप डोर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ओके तो इस साइड तो लगा दिया एंड उस साइड लगाने हैं। होगी तो गाइस सभी हम लोगों ने अपने बोट हाउस का डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से बना लिया है एंड अभी आवे थोड़ी देर में भाई अपना बोट हाउस बनके रेडी हो जाएगा। और ये देखो होगी तो गाइस सभी हम लोगों ने अपने बोट हाउस का स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छे से बना लिया है। पहले मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ एंड मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि यार बीच बीच में मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है और ये यहाँ पे स्टेयर्स क्या कर रही है, मतलब बीच बीच में मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इसका स्ट्रक्चर रखे तो रखे कैसे। तो ये कुछ इस तरीके का लग रहा है। मैं थोड़ा पास चलता हूँ एंड आप लोग को पास से दिखाता हूँ। ये देखो पहले मैं इसको सोच रहा था कि थोड़ा सा कोवर स्टोन भी इसके अंदर लगाऊंगा बट कोवर स्टोन लगाने के बाद यार डिज़ाइन काफ़ी मतलब बेकार सा हो रहा था, इसीलिए मैंने वो हटा दिया। अब भी हम लोग सिर्फ लॉक का यूज़ करने वाले हैं और मैं काम करता हूँ हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 1-2-3 यहाँ पे भी 3-3 की हाइट रखेंगे, ज़्यादा की हम लोग हाइट नहीं रखेंगे। अगर हम लोगों ने ज़्यादा की हाइट रखी तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये। ओके तो यहाँ पे सिर्फ 2 की रखते हैं एंड मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा ना ऊपर हो गया, इसको थोड़ा हटा देना चाहिए साइड से। ओके एक सेकेंड रुको, यार इसको हटाऊंगा तो मैं पूरा का पूरा डिज़ाइन ही ख़राब हो जाएगा, इसको तो मेरे को लगाना पड़ेगा। लेकिन यार गलत लगा दिया मैंने इसको। होगी तो गाइस सभी हमारा बोट हाउस बन के रेडी हो चुका है और अपने को फ्री की यार 2 फिश भी मिल गई हैं। मुझे नहीं पता ये दोनों की दोनों फिश भाई किसने मारी हैं बट अपने को 2 फिश का भी यहाँ पे फायदा हो चुका है। तो ये रहा अपना बोट हाउस, देख रहे हो कितना ज़्यादा सही लग रहा है, मतलब मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है क्योंकि यार काफ़ी मेहनत हो चुकी है इसको बनाने में। एक एक स्लैब एक एक मतलब जो स्टेयर्स है ना, अगर वो मैं गलत लगा देता तो भाई डिज़ाइन बिल्कुल ख़राब ही हो जाता। और ये थोड़ा सा अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि ये ओक सैपलिंग से बना है, मतलब ओक लॉग और स्लैब से बना हुआ है। अगर ये डार्क वाले प्लैंक से बना होता तो और ज़्यादा बढ़िया लगता, पर कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी अपने इसी से काम चला लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग इसको भी निकाल दें, ये ज़्यादा बढ़िया लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया नहीं लग रहा है, इसको यहाँ पे निकाल देते हैं। एंड यहाँ पे हम लोग अपना सामान ले आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा आगे मुझे और डेकोरेशन करनी है, बाकी ऑलमोस्ट घर बनके रेडी हो चुके हैं। हम लोग अपना सामान यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं और ये ना थोड़ा सा आगे बन गया, मैं सोच रहा था कि बिल्कुल इसके सामने ही बनाऊंगा बट थोड़ा सा आगे बन गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड अभी हम लोग एक एक करके यहाँ पे सारा सामान लेकर चलते, देख रहे हो
भाई यहाँ पे सारी की सारी चीजें टूटने वाली है मेरी। देखो एक्स की हालत देखो कितनी ज्यादा बुरी हो गई है। इसको भाई तोड़ो, दो दो मैं फर्नेस बना लूंगा, दो मेरे पास फर्नेस बनाने के लिए यार कोवर स्टोन तो है ही नहीं। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम लोग बाद में यहाँ पे बना लेंगे। मेरे पहले को जाके क्राफ्टिंग टेबल रखनी पड़ेगी, चेस्ट भी वहाँ पे जाके रख लेता हूँ। कोवर स्टोन है नहीं मेरे पास, स्टोन है तो कोवर स्टोन थोड़ा सा मैं लेकर आऊंगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे दो फर्नेस बनानी है। एंड कुछ ऐसा रास्ता करना पड़ेगा कि यार और कहीं से हो जाए। वैसे यहाँ पे मैंने लेडर लगा दिया जिससे मैं ऊपर जा सकता हूँ। तो बेड मैं काम करता हूँ, बेड हम लोग ना यहाँ कहीं पर डाल देते हैं। बेड बेड में डालता हूँ इस साइड में, आराम से यहाँ पे बेड हो जाएगा अपना। एंड फर्नेस कहाँ गया, फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल में डालता हूँ यहाँ पे। नहीं फर्नेस तो हम लोग यहाँ पे भी रख सकते हैं, एंड क्राफ्टिंग टेबल को तो हम लोग कहीं पे भी रख सकते हैं। यहाँ रखता हूँ मैं चेस्ट को, एक मिनट रुको, चेस्ट कहाँ गया, ये रही चेस्ट, और चेस्ट को मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। अरे यार एक से गलत लगा दी मैंने, बहुत सही, अभी एकदम सही जगह मैंने सारी की सारी चीज़ें रख दी हैं। अभी इसको बाहर निकालते हैं, अभी मैं इसको डेकोरेट भी करूंगा। एंड एक मिनट रुको यार, मेरे पास हेलमेट है क्या? ओके हेलमेट तो मेरे पास पहले से है, ये तो मैं इसको भी पहन लेता। अभी मैं इसको पूरा अच्छे से डेकोरेट भी करने वाला हूँ, मैं चारों तरफ फैंस वगैरह भी लगाऊंगा, एंड जितना ज़्यादा इसको अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि वोट हाउस तो बन गया बट अभी हम लोगों ने बिल्कुल डेकोरेट नहीं किया है। पहले हम लोग अपने सारे का सारा सामान यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। ओके तो अभी हम लोग अपना सारा सामान लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। मैं अपना सारा का सारा सामान यहाँ पे रख देता हूँ। एंड मेरे पास दो बोन मील भी, तो यार हम लोग इससे काम चला सकते हैं। तो मैं सारा सामान उठा के रख देता हूँ जिसका मेरे को काम नहीं है। दो मेरे पास एक्स्ट्रा चेस्ट बची है तो दोनों को मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। चेस्ट यहाँ पे लग जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है। एक सेकंड रुको, मेरे को स्टिक चाहिए मेरे को, एंड थोड़ी फैंस वगैरह ले लेता हूँ, सब ले लेता हूँ, खाना वगैरह ये सारी चीज़ें मैं ले लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे थोड़ा डिज़ाइन भी बनाने वाला हूँ। बट उससे पहले हम लोग चलते हैं भाई कोवर स्टोन लेने, क्योंकि मेरे को एक्स बनानी पड़ेगी। मेरे पास आयरन नहीं है एंड मेरी एक्स अभी टूट चुकी है, और मेरे को फर्नेस भी बनानी है। होगी तो अभी मैं कोवर स्टोन और ग्रेवल अपने साथ यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ। तो सबसे पहले तो मैं एक कैंप फायर बना लेता हूँ। वैसे मेरे को एक नहीं दो दो कैंप फायर बनानी है, एंड एक और फर्नेस बनाओ, फर्नेस को मैं यहाँ पे रखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को बनानी है एक एक्स, क्योंकि अभी मेरे पास आयरन नहीं है। तो अभी हम लोग कोवर स्टोन के टूल का ही काम चलाने वाले हैं। आयरन भी मैं बहुत जल्द माइन करने जाऊँगा, बट एक फर्नेस यहाँ पे रखो। क्राफ्टिंग टेबल को ना मैं बीचों बीच रखने वाला, एक सेकेंड रुको, क्या हम लोग यहाँ से इसको तोड़ सकते हैं क्या? ओके तोड़ सकते हैं इसको, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल को रख लो। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही लग रही है, मैं बोट वगैरह भी कुछ भी नहीं बनाने वाला हूँ। कैंप फायर को मैं ना ऊपर जाके रखूँगा, वो ज़्यादा बढ़िया लगेंगी। यहाँ से अगर मैं कैंप फायर को रखता हूँ तो मेरे को चेक करना पड़ेगा कि यार आग लगेगी या नहीं लगेगी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं यहाँ पे कैंप फायर रखूँ और भाई पूरी की पूरी मेरे बोट हाउस में आग लग जाए। तो मुझे थोड़ा सही तरीके से रखना पड़ेगा। वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे आग लगेगी कुछ इस तरीके से अगर मैं रख देता हूँ यहाँ पे। ओके तो काफ़ी ज़्यादा सही है, मैं यहाँ पे खाना भी अपना कुक कर सकता हूँ। ओके तो घर मेरा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बन गया। यहाँ पे मैं थोड़े ट्रैप डोर वगैरह लगा लूँगा। एंड एक सेकेंड रुको, मेरे पास फ्लिंट एंड स्टील भी हो गया है। अब मैं इसको काम करता हूँ ना, थोड़ा सा मैं इसको डेकोरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मुझे और आगे काम करना है, एक सेकेंड, यहाँ पे मेरे को प्लैंक वगैरह थोड़े और लगाने हैं। फैंस भी मैं चारों तरफ लगा देता हूँ, मेरे पास थोड़ी सी फैंस है।
होगी। तो गाइस अभी हमारा बोट हाउस बन के रेडी हो चुका है एंड अभी मैं थोड़ा सा विलेज में भाई डेकोरेशन का सामान ढूंढ रहा हूँ, बट मुझे ज़्यादा कुछ मिला नहीं है। मुझे बस थोड़े बहुत कारपेट मिले हैं, थोड़ा वुल मिल गया एंड मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़ा और कुछ मिल जाए तो हम लोग और अपने बोट हाउस को और अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। एंड देखो जैसी रात होती है ये लोग सोने चले जाते हैं और वो रहा अपना बोट हाउस, देख रहे हो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, मतलब पानी के बीचों बीच ऐसा लग रहा है कि एक शिप खड़ी हुई है और बहुत ही ज़्यादा मेहनत से बना है। तो मैं आप लोग को अच्छे से दिखा देता हूँ क्योंकि इस वाले विलेज में और ज़्यादा कुछ डेकोरेशन के लिए नहीं है। मेरे को थोड़ा कारपेट मिल गया था और थोड़ा वुल मिल गया था, वो मैंने भाई लगा दिया है। बाकी मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है क्योंकि यार काफ़ी मेहनत करके बने और यहाँ पर मैंने एक बोट भी खड़ी कर दिया है, इससे मैं विलेज के अंदर भी आ सकता हूँ एंड अपने बोट हाउस पे भी जा सकता हूँ। तो बोट हाउस के अंदर मैंने ग्लासेस वगैरह भी लगा दिया है, कैंप फायर लगा दिया है भाई, बहुत ही ज़्यादा सही लुक लग रहा है। एंड यहाँ से अंदर आओ और यहाँ से गेट बंद कर दो। ये देखो ये विलेज है, मेरे को एक बेल मिल गई थी तो मैं बेल भी यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ जिसको मैंने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ से विलेजर्स को मैं परेशान कर सकता हूँ। और ये देखो यहाँ पे मैंने लगा रखे दो दो कैंप फायर ट्रैप डोर लगा दिए। ये कारपेट मेरे को ग्रीन वाला मिल गया था विलेजर के घर में एंड ये येलो और व्हाइट वाली वुल मेरे को मिल गई थी विलेज के अंदर, तो मैंने यहाँ पे कारपेट बना के लगा दिया। बेड मैंने यहाँ पे लगा दिया है, ग्लासेस वगैरह फर्नेस, मतलब यार छोटी सी बोट मैंने बनाई है पर मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है। अभी मैं कुछ टाइम बाद इसमें गेट वगैरह लगाऊंगा, थोड़ा और इसको अपग्रेड करूंगा, बाकी अभी तो मेरे को बहुत ही ज़्यादा सही लग रहा है बाकी इस वाले एपिसोड को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताने कि आप लोग को मेरा ये बोट हाउस कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।